हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है ना, आज हम इस चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। चूंकि मोनोटोनोसिटी को अच्छे से जानने के लिए जब तक आपका इनक्वालिटीज़ अच्छा नहीं होगा, है ना, तब तक आपका ना तो मैक्सिमम मिनिमम उतना अच्छा हो पाएगा और ना ही मोनोटोनोसिटी उतना अच्छा हो पाएगा। मतलब मोनोटोनोसिटी का मतलब ये होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। जो हम आपको बताए थे 6.2 एक्सरसाइज का लेक्चर है ना, और मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ये दोनों को अच्छे से समझने के लिए आपको बेसिक इनक्वालिटीज़ का जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और इनक्वालिटीज़ को जानने के लिए, ठीक है, आपको बेसिक सेट्स में जैसे इंटरवल हो गया, ठीक है, ये सब का कंसेप्ट अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम इस लेक्चर में, ठीक है, इंटरवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं, प्रयास करते हैं कि इनक्वालिटीज़ का भी थोड़ा मोटा डिस्कशन हो जाए, ताकि एक से दो लेक्चर तक में हम पूरे इनक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दें, जितना पढ़ने से आपका मोनोटोनोसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरवल से। देखिए इंटरवल में है ना, फोर टाइप का इंटरवल होता है। इसको इस टाइप का यदि आपको दिखेगा, इस टाइप का भी दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, इस प्रकार से दिख सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। और इसको बोलते हैं ओपन, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए जब हम स्क्वायर ब्रैकेट वाले को क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर वाला जो भी आपको दिखेगा, जैसे मान लीजिए इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले को आप क्या बोलिएगा, क्लोज, है ना, और स्मॉल ब्रैकेट को ओपन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए क्लोज है, यहाँ ओपन है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। और यदि यहाँ देखिए इसको ओपन बोलेंगे, इसको क्लोज बोलेंगे, समझ में आया क्या। अब यहाँ देखिए ओपन इंटरवल को हम जो है ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये दोनों आपको ओपन दिख रहा है, या आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये क्लोज ओपन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं कर करके क्या करेंगे, एक साइड से खोल देंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको ये क्लोज हो जाएगा और ये देखिए खुला हुआ है, तो क्लोज ओपन, ठीक है। ये सब सिंबल काफ़ी आसान है, ठीक है। अब चलिए इसका एक नोटेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी यदि कहीं लिखा हुआ रहता है, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम कैसे, ठीक है, इनक्वालिटीज़ के टर्म में लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। कहीं लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ऐसे, ठीक है ना। देखिए यदि x बिलोंग्स टू कहीं यदि आपको इस प्रकार से दिखे, तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे इनक्वालिटीज़ में, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है x जो है ना a और b के बीच में लाई करता है, ठीक है, जिसमें a भी होगा और b भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b का मतलब x जो होगा a और b के बीच में लाई करेगा, x a और b के बीच में लाई करेगा, तो a आप लिख लीजिए, b लिख लीजिए, इसके बीच में x को लिखना पड़ेगा आपको, तभी हम बोल पाएंगे कि एक्स जो है ना ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ देखिए जब कभी भी आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ब्रैकेट आपको दिखेगा या क्लोज इंटरवल दिखेगा, ठीक है ना, ओपन दिखेगा तो आप लेस देन यूज़ कीजिएगा, जहाँ क्लोज दिखेगा वहाँ पर लेस देन इक्वल टू यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे साइन में, और यहाँ देखिए ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमेशा लेस देन यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ए पर क्या है, ए पर क्लोज लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ देखिए बी पर भी क्लोज इंटरवल है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे। क्या बात, आपको समझ में आया। और इसका उल्टा भी सही है, ठीक है, यदि ऐसा रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले चलिए हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे
दो नंबर में जैसे मान लीजिए कहीं यदि ऐसे लिखा हुआ रहे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब x a और b के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए a x b, आप देख लीजिए यहाँ पर x क्या हो गया, a और b के बीच में लाई कर गया, ठीक है। और अभी हम बोले हैं आपको जहाँ आपको क्या दिखे ओपन इंटरवल वहाँ लेस लगाएंगे और लेस देन, और जहाँ पर क्लोज इंटरवल दिखे वहाँ पर लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ए पर भी ओपन इंटरवल है, बी पर भी ओपन इंटरवल है, तो यहाँ आपको क्या करना है केवल लेस देन यूज़ करना है। यहाँ बी पर भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पर आपको लेस देन यूज़ करना है, ठीक है। और इसका उल्टा भी सही है, कहीं यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। थ्री नंबर में एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, इसमें देखिए कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। इंटरवल में नहीं, इनक्वालिटीज में, इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक्स ए और बी के बीच में ही लाई करेगा, ये एक्स ये और ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहां इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। यहां देखिए ए पर क्लोज इंटरवल है, सो यहां पर लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, बी पर ओपन है, यहां पर लेस देन यूज करना पड़ेगा मेरे को। यदि एक्स बिलोंग्स टू ए पर ओपन और बी पर क्लोज रहे तो इसको हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे इसका मतलब होगा क्या, एक्स ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यहां देखिए ए पर क्या है, ओपन है तो लेस देन लगाएंगे, बी पर देखिए क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू। कहीं यदि ऐसे लिखा हुआ मिले आपको, दिखे एक्स जो है ना ए से इनफाइनाइट की ओर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्या होगा ए से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा, अच्छा यहां पर देखिए ए पर क्लोज है इसीलिए यहां पर लेस देन इक्वल टू मेरे को लगाना पड़ेगा, या इसी चीज को, ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स देखिए क्या है, ए ए है और ए से इनफाइनाइट तक है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, मतलब या तो एक्स ए होगा या ए से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्स ए बी के बीच में लाई करेगा, जिसमें ए नहीं होगा बी होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स होगा ना ए और बी के बीच में लाई करेगा, जिसमें ए होगा बी नहीं होगा। इसका मतलब एक्स ए और बी के बीच में लाई करेगा, ए नहीं होगा बी नहीं होगा। इसका मतलब एक्स होगा ना ए और बी के बीच में लाई करेगा, ए भी होगा और बी भी होगा। यही हुआ ना, देख लीजिए आप यहाँ पर एक्स ए और बी के बीच में लाई कर रहा है जिसमें इक्वल टू है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हम ए भी ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू बी भी ले सकते हैं, उसके बीच का हर एक वैल्यू ले लेंगे, समझ में आया। और ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऐसे ये सब आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। कहीं यदि ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, ए से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। और याद रखिएगा इन्फिनिटी पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन होता है, ठीक है, समझ में आया क्या। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए यहां पर एक्स क्या है, एक्स जो है ए से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स क्या है, ए से ग्रेटर है। सेवन नंबर में एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू ए, कहीं यदि ऐसे लिखा हुआ दिखे आपको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जो है माइनस इनफाइनाइट से ए के बीच में लाई कर रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए। और इसको कैसे दिखाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से एक्स ए के बीच में लाई करेगा, या आप ऐसे बोल दीजिए x जो है ना a से छोटा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट वाला टर्म को यूज करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हम केवल यूज कर लेते हैं, ठीक ना। x a से छोटा है, इसका मतलब a से छोटा जाते जाते माइनस इनफाइनाइट तक ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका डायग्राम हम कैसे दिखाएंगे, डायग्राम चलिए यहाँ दिखा देते हैं आपको। आप जानते हैं एक्स ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, ए और बी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। और याद रखिएगा ए और बी रियल नंबर है, चलिए यहां लिख देते हैं ऊपर में
लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल एंड ए इज लेस देन बी, मतलब ए क्या है बी से छोटा है। ऐसे भी एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये है लेफ्ट इंड पॉइंट इस इंटरवल का, इसको कहते हैं राइट इंड पॉइंट, ठीक है। इस इंटरवल का ये हो गया लेफ्ट इंड पॉइंट, ये हो गया राइट इंड पॉइंट, इस इंटरवल का ये हो गया लेफ्ट इंड पॉइंट, ये हो गया राइट इंड पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है ना, लेफ्ट इंड पॉइंट क्या होता है, राइट इंड पॉइंट से हमेशा छोटा होता है, याद रखिएगा ये बात। लेफ्ट इंड पॉइंट हमेशा क्या होगा, राइट इंड पॉइंट से छोटा होगा। तो ऐसे भी यहाँ हम लिख दिए हैं ए बी रियल नंबर है और ए बी से क्या है छोटा है, तो रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये एक्स जो है ना ए और बी के बीच में लाई कर रहा है ना, जिसमें ए भी है ठीक है और बी भी है, और उसके बीच का हर एक मान को ये शो करेगा, मतलब ये दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक में हमेशा एक्स लाई करेगा, इससे बाहर ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, हमेशा क्या होगा ए और बी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इस चीज़ को, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं इसके डायग्राम पर, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट, आप जानते हैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे नंबर लाइन खींचते हैं हम लोग, है ना। और इसमें देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और बी में ए क्या है बी से छोटा है, तो स्वाभाविक है ये लेफ्ट लाई करेगा और ये राइट लाई करेगा नंबर लाइन पर। यहाँ देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, एक्स जो है ना ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल होने की वजह से एक्स का वैल्यू हम ये ए भी नहीं लेंगे बी भी नहीं लेंगे, मतलब ए नहीं लेंगे बी नहीं लेंगे। जब ए नहीं लेंगे तो वहां पर क्या करेंगे हम, सर्कल कर देंगे, ठीक ना। सर्कल का मतलब क्या, वो पॉइंट वहां पर नहीं लिए हैं हम, यहाँ पर भी सर्कल दे दिए, इसका मतलब इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट को हटा दिए हैं और इसको भी यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए, ठीक ना। और उसके मतलब बाद में कि हर एक पॉइंट को हम ले लिए, ठीक ना, हर एक सॉल्यूशन को ले लेंगे बट ए नहीं लेंगे बी नहीं लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं इसमें, ए और बी को तो ऐसे दिखाना ही है आपको। इसमें देखिए क्या करना है, ए लेना है बी नहीं लेना है, और एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में लेंगे। ए लेना है, ए लेना है इसका मतलब ए पर डाउट यूज करेंगे, है ना, और बी नहीं लेंगे इसका मतलब बी को क्या करेंगे, बी पर ओपन कर देंगे। ओपन का मतलब ये सर्कल ओपन को दिखाता है, ठीक ना, और ये डॉट जो है ना, डॉट क्या करता है, क्लोज इंटरवल को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर ये सर्कल है, तो समझ जाइएगा यहाँ बी पर ओपन होगा, यहाँ डॉट है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा ना इस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब इस इंटरवल में जो भी एक्स का वैल्यू आप लेंगे, है ना, सब सेटिस्फाई कर लेगा इस इनक्वालिटी को। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ ए यहाँ बी, एक्स ए नहीं होगा बी होगा और उसके बीच का हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां देखिए इधर माइनस इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट यहां ए, क्या कहना चाहता है ये, एक्स जो है ना ए से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें ए है इनफाइनाइट, तो हमेशा इनफाइनाइट पर का ब्रैकेट हमेशा क्या होता है ना, ओपन होता है, ठीक है। एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं, यहां देखिए क्या आपको दिख रहा है, एक्स जो है ना इस इंटरवल में लाई कर रहा है, एक्स यहां पर ए है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स क्या होगा, ए ए होगा, ए यहाँ पर होगा या ए से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, इधर जो भी वैल्यू आप लेंगे एक्स का वो सब क्या होगा, ए से ग्रेटर होगा। इसीलिए यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ठीक है। और यहाँ चलिए इसके लिए हम लिख रहे हैं, अभी यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा ओपन लगेगा, चूंकि यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ए पर ओपन है। एक्स का वैल्यू क्या करना है, ए नहीं लेना है लेकिन ए से बड़ा लेना है, एक्स का वैल्यू ए नहीं लेंगे ए से बड़ा लेंगे, इसका मतलब ऐसे ही लेंगे ना, लेंगे ना, ठीक है। और ये सब आराम से आप दिखा सकते हैं इस चीज को। चलिए यहां दिखाते हैं नीचे वाले का, माइनस इनफाइनाइट तक ले जाना है आपको, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स, ये सब एक्स का वैल्यू है, ठीक ना, और ये जितना भी वैल्यू है सब के सब एक्स क्या, ये सब इंटरवल में एक्स लाई करेगा, मतलब एक्स लाई करेगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू लाई करेगा, ठीक है। तो ये इधर क्या आ जाएगा ना, x a से छोटा आ जाएगा, ठीक है। इधर जितना भी वैल्यू आप x का लेंगे ना, सबके सब a से क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। अब चलिए कुछ कुछ नंबर्स को हम दे देते हैं इंटरवल में, जैसे इस टाइप का है तो इसको कैसे इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसको कैसे इनक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। इनक्वालिटी का मतलब ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल क्वांटिटी इज कॉल्ड इनक्वालिटी। तो क्या लगता है आपको, ये दोनों में क्या रिलेशन है,
दोनों इक्वल नहीं है ना, अनइक्वल है। लेस देन ग्रेटर देन जहां आ गया वहां अनइक्वल ही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू s है, इसको मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, या आप चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोल दीजिए, बिल्डर फॉर्म। आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे ना, उसमें आप पढ़े होंगे बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है सेट को, ठीक ना। इसको आप बिल्डर फॉर्म के नाम से जानिए और इसको इंटरवल के नाम से, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक्स जो है ना टू और थ्री के बीच में लाई कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू, इतना का मतलब क्या हुआ, एक्स जो है ना टू और थ्री के बीच में लाई कर रहा है, कैसे लिखेंगे। और यहाँ देखिए क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी क्लोज है थ्री पर, लेस देन इक्वल टू, ठीक ना। एक्स बिलोंग्स टू थ्री और सेवन है दोनों पर ओपन, इसको आप कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, मतलब बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स क्या होगा, थ्री और सेवन के बीच में लाई करेगा, थ्री पर देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो ओपन इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल है यहाँ पर, तो यहाँ लेस देन लगेगा, सेवन पर भी ओपन है, यहाँ भी लेस देन। एक्स बिलोंग्स टू थ्री टू फाइव, यहाँ क्लोज है यहाँ ओपन है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स थ्री और फाइव के बीच में लाई करेगा, थ्री पर क्लोज है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू लगेगा, फाइव पर ओपन है तो यहाँ लेस देन लगेगा। एक्स बिलोंग्स टू सेवन टू नाइन, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना है, एक्स जो है ना सेवन से नाइन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सेवन पर ओपन होगा, लेस देन होगा चूंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, नाइन पर क्लोज, इसीलिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक्स बिलोंग्स टू टू से इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या, एक्स टू होगा या टू से ग्रेटर होगा। अरे टू से इनफाइनाइट का मतलब क्या, टू से ऊपर ऊपर मतलब जाते जाएगा एक्स, है ना, चलते जाएगा चलते जाएगा, तो इसका मतलब x कहीं ना कहीं 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा। और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x का जो होगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा या 2 से कम आएगा x, ठीक ना। कहीं यदि ऐसे लिखा हुआ रहे तो x जो है ना माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो इसको आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। समझ में आया क्या, ठीक है। अब आपको मतलब उल्टा रास्ता से भी आप आ सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ मिल जाए x टू लेस देन x लेस देन इक्वल टू थ्री, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू, आपको आप ऐसे लिखिए x बिलोंग्स टू टू से थ्री, ठीक है, टू से थ्री। टू पर देखिए यहाँ लेस देन है तो यहाँ ओपन लगाइए, थ्री पर देखिए क्लोज है, ऐसे लगाइए, मतलब दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो आप x बिलोंग्स टू वन टू टू लिखिए, वन कॉमा टू, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, वन पर लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ क्लोज लगेगा, और यहाँ देखिए लेस देन है तो यहाँ ओपन लगेगा, ठीक है। यहाँ माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू फोर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू कॉमा फोर, यहाँ देखिए एक लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, यहाँ भी क्लोज। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन टू इंटरवल्स, ठीक ना, मतलब ये जितने भी है ना इनको इंटरवल में आपको लिखना है। एक नंबर में है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, x इज लेस देन इक्वल्स टू वन, x इज ग्रेटर देन टू, x इज लेस देन टू, x इज लेस देन माइनस इक्वल्स टू माइनस वन, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन,
अब जैसे देखिए, एक नंबर को क्या करना है, मेरे को इंटरवल में लिखना है, ठीक है? इसको तो कैसे लिखेंगे? क्या है यहाँ देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, इसको इंटरवल में लिखना चाहते हैं हम। देखिए कैसे लिखेंगे, आप क्या कीजिए, एक नंबर लाइन बनाइए और उस नंबर लाइन पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है ना, देख लीजिए वन कहाँ पर होगा, वन यहाँ होगा, इधर इनफाइनाइट, इधर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या लेना है मेरे को, एक्स का वैल्यू वन लेंगे या वन से ग्रेटर, ठीक है? ध्यान दीजिए, एक्स वन कहाँ होगा, वन यहाँ होगा, वन भी लेना है ना, तो वन पर क्या करना है, डॉट यूज़ करना है, ठीक है? एक्स एक्स वन लेंगे, वन से ग्रेटर लेंगे, तो वन से ग्रेटर आप जानते हैं एक्स इधर आएगा, हाँ है ना? तो इसका आप आंसर कैसे देंगे, देख लीजिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे हम इंटरवल में। एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का वैल्यू वन लेंगे और इनफाइनाइट लेंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा ना, वन से ग्रेटर का मतलब क्या, इनफाइनाइट तक, ठीक है? इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इनफाइनाइट पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन, और यहाँ देखिए वन पर क्या हो जाएगा, डॉट है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे, ठीक है? ये हो गया इसका डायग्राम भी, और उसी के अनुसार से क्या किया हम, इसका आंसर भी निकाल लिए। दो नंबर में देखिए क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू वन, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या है, प्लस इनफाइनाइट, यहां कहीं वन होगा। देख लीजिए यहां पर x का वैल्यू किस प्रकार से मेरे को लेना है, x वन होगा या वन से कम, वन या वन से कम, तो x देखिए वन यहां पर आ जाएगा इस जगह पर, या आप यहां पर भी दिखा सकते हैं, एक इंटरवल है, एक डायग्राम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही क्वेश्चन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप हमेशा याद रखिए नीचे बनाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा मजा आएगा, ठीक ना? x वन होगा या वन से कम, वन या वन से कम में x का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा किधर का, इधर का ना, इस साइड का, इधर का वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, ठीक है? तो x का वैल्यू आपको इधर का लेना पड़ेगा, तो देख लीजिए x इंटरवल में जब आप लेंगे तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट और वन के बीच का कोई भी वैल्यू यदि आप यहाँ पर रखते हैं एक्स का, तो वन या वन से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है? सेटिस्फाई करेगा इसको, और वन पर देखिए क्लोज इसलिए लगेगा, यहाँ इक्वल टू भी है और यहाँ पर हमेशा ओपन होता है, ठीक है? अब देखिए आप जानते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मतलब क्या एक्स का या अननोन का वे सभी वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक ना, वो क्या कहलाता है, उस इक्वेशन या इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है? आप इस बीच का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए इस इंटरवल का, ठीक है, और आप यहाँ पर डालिए, देखिए हमेशा इसके इक्वेशन को क्या करेगा, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? आगे चलिए तीन नंबर पर चलते हैं। देखिए थ्री नंबर में क्या है, x इज ग्रेटर देन टू, नंबर लाइन बनाइए, कहीं ना कहीं टू होगा नंबर लाइन पर, ठीक है? और देखिए यहां पर क्या करना है, x का वैल्यू या तो नहीं टू से ग्रेटर लेना है, टू से ग्रेटर में 2.1 भी आता है, ये बात आपको मालूम है, 2.1 कहाँ पर आएगा, 2 के जस्ट आगे का पॉइंट होगा, है ना? 2.1 क्या होगा, 2 के जस्ट आगे का पॉइंट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको 2 से लेकर के चलना पड़ेगा इस चीज को, मतलब x 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? और 2 से ग्रेटर आप हर वैल्यू को ले सकते हैं, यहाँ पर हर एक वैल्यू को ले सकते हैं, मतलब इस इंटरवल का यदि आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा ये इन इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, समझ में आया क्या? मतलब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख करके देखिए आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर लेगा, तो 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक के वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए चार नंबर में चलते हैं। चार में देखिए क्या है, अच्छा थ्री नंबर ऐसे है ना, चार नंबर देखिए क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू टू, टू कहीं ना कहीं यहाँ होगा, x क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, x 2 यहाँ पर है, 2 से कम यदि आप x का वैल्यू लेंगे, 2 से कम x इधर आएगा, ठीक है? इस इंटरवल को ये सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट, उसके बाद फिर 2, 2 पर ओपन, इनफाइनाइट पर भी ओपन, क्योंकि 2 नहीं लेना है, 2 से कम लेना है, ठीक है? आगे चलिए फाइव नंबर, x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, माइनस वन, कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पर माइनस वन होगा, ये बात आपको मालूम है, x का वैल्यू माइनस वन लेंगे या माइनस वन से कम लेंगे, है ना? माइनस वन या माइनस वन से कम में देख लीजिए कौन सा इंटरवल होगा, माइनस वन लेंगे, ठीक है? माइनस वन लेंगे मतलब ये लेना पड़ेगा आपको, यहाँ का माइनस वन लेना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए यहाँ डॉट कर देते हैं,
माइनस वन या माइनस वन से कम, माइनस वन से कम इनफाइनाइट मेनी वैल्यू, इसीलिए माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ को लेकर के हम आएंगे। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन। देख लीजिए यहाँ पर माइनस वन पर क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, चूंकि यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू है, और माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट पर का ब्रैकेट हमेशा क्या होता है ना, ओपन, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। चलिए सिक्स नंबर में चलते हैं। सिक्स नंबर में देखिए क्या है, x इज ग्रेटर देन माइनस वन, और कहीं ना कहीं माइनस वन इस नंबर लाइन पर होगा, ठीक है। x का वैल्यू आपको माइनस वन लेना है, और माइनस वन से ग्रेटर, माइनस वन एक्स यहाँ मिल जाएगा आपको, और माइनस वन से ग्रेटर इस इंटरवल में है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस वन और इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस वन भी लेंगे और ये भी ले लेंगे, ओके। चलिए सेवन नंबर में चलते हैं। सेवन में देखिए क्या है, माइनस टू एक्स, माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन जीरो, इसको कैसे दिखाएंगे, कहीं ना कहीं माइनस टू होगा और जीरो होगा। देख लीजिए एक्स क्या होगा, माइनस टू से टेन के जीरो के बीच में लाई करेगा, तो माइनस टू नहीं है, जीरो भी नहीं है, इसके बीच में यही है ना। इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू कॉमा जीरो, माइनस टू नहीं है, ये नहीं है, इसके बीच का आंसर आप लिख लिए, ऐसे करने पड़े ना। ऐसे भी आपको हम डायरेक्ट भी लिखने के लिए बताए हैं इसको, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिखने का तरीका जो हम आपको बताए हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ध्यान देना है आपको यहां पर एट नंबर में, ठीक ना, एट में देखिए क्या है, माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स कहीं ना कहीं माइनस टू होगा, जीरो होगा। अब यहां देखिए आपको एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, माइनस टू लेना है, जीरो लेना है, और उसके बीच में माइनस टू जीरो और उसके बीच में यही होगा ना, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू जीरो, तो माइनस टू पर आपको क्लोज लगाना पड़ेगा, चूंकि माइनस टू भी लेंगे और इसके बीच का भी वैल्यू लेंगे और जीरो भी लेंगे, और डायरेक्ट भी लिखने के लिए हम आपको बता दिए हैं, बिल्कुल भी सोचना नहीं है आपको, ठीक है, ये सब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए इसमें आपको सॉल्व कर करके क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, आपको वहां पर बताना है, ठीक है ना, कौन सा सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बोल रहे हैं सेट ऑफ ऑल है ना नेचुरल नंबर्स लेस देन फाइव ग्रेटर देन सेवन। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि मतलब आपको वो तमाम नेचुरल नंबर का सेट बताना है जो पाँच से कम होगा, सात से ग्रेटर होगा, ऐसा होगा क्या, नल सेट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस चीज़ को देख करके आपको यहाँ महसूस करना पड़ेगा कि x का वो वैल्यू आपको चाहिए, ठीक ना, जो इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या, सॉल्व फॉर x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको x का वो तमाम वैल्यूज बताना है, ठीक ना, जिसको इसमें रखेंगे तो वन या वन से ग्रेटर आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो थ्री या थ्री से कम आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, मतलब दोनों को यदि इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब क्या चाहिए आपको, तो दोनों का कॉमन वैल्यू, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी सोचने वाली बात है कि जब तक ये दोनों में कॉमन वैल्यू आप नहीं निकाल लेते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं कि थ्री से कम में ले लेते हैं, माइनस नाइन ले लेते हैं, ठीक ना, थ्री से कम है लेकिन जब माइनस नाइन यहाँ रखेंगे, माइनस नाइन वन या वन से ग्रेटर होता ही नहीं है, इसको तो कर लेगा सेटिस्फाई, इसको नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज ये दिखाता है, यदि आपको x को सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो आपको यहां पर ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को x का कौन सा वैल्यू चाहिए, x को वो वैल्यू चाहिए, x का वे तमाम वैल्यू चाहिए मेरे को जो दोनों में डालेंगे तो दोनों की इन इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों का कॉमन वैल्यू चाहिए। नहीं आई बात समझ में, कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक ना, मतलब इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, जो दोनों में आ जाएगा वही इसका क्या होगा,
कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। मतलब जब आप उस सॉल्यूशन को इसमें रखेंगे तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखेंगे तो इसके इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। चलिए निकालते हैं, अब देखिए ये आपको जब तक आप नंबर लाइन नहीं लेंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब ध्यान देना आपको कैसे, कहीं ना कहीं x पर क्या हो, मतलब नंबर लाइन पर 1 होगा, हाँ होगा, ठीक ना। कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर 3 भी होगा, हाँ 3 भी होगा। अब जैसे जैसे जिसका डायग्राम जिधर जाएगा उधर आप कर लीजिए। जैसे क्या कहना चाहता है ये देखिए, ये इंटरवल जो है ना, ये क्या कहना चाहता है, मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक्स का वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक ना। तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। जैसे मान लीजिए अभी जब हम यहां पर खींचते और इसको इधर खींचते थोड़ा सा मेरे को उतना मतलब क्लियरिटी नहीं दिखता, ठीक ना। लेकिन यहां यदि हम खींचते नीचे, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे और 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर मतलब प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और फिर देखिए एक्स का वैल्यू क्या लेना है मेरे को, 3 लेना है या 3 से कम। अब आप ही बताइए एक्स का वो कॉमन वैल्यू आप मेरे को बताइए जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जो दोनों में होगा। आप यहां से देख सकते हैं, यहां से इधर देखिए, ये सब वैल्यू जो होगा ना, ये सब वैल्यू इसमें नहीं आएगा, हाँ है ना, और ये सब वैल्यू इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉमन वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां तक ना, हाँ है ना। मतलब इस बीच का यदि आप कोई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे इस बीच का कोई वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे आपको लगता है 1 और 3 के बीच का वैल्यू 2.9 हम ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। और 2.9 आप यहां रखिए, 2.9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सही है गलत, सही है ना। और 2.9 यदि आप यहां पर रखते हैं, 2.9 क्या होता है, 3 से कम होता है ना, मतलब इसको भी सही कर रहा है। यदि आप इधर का वैल्यू ले लेते हैं 4, ठीक है ना, 4 यदि आप यहां लेते हैं, 4 1 से ग्रेटर होता है, बट यदि यहां पर हम 4 रखें तो 4 3 से कम नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब इधर का वैल्यू नहीं आएगा, इधर का भी नहीं आएगा। तो आएगा कौन सा वैल्यू, जो दोनों में है, दोनों में आपको दिख रहा है ना, इतना ही पार्ट ऐसा है जो दोनों में आएगा, तो दोनों कॉमन वैल्यू ही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू 1 और 3। अब यहां ध्यान देना है कि 1 पर ओपन होगा या क्लोज होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 इसमें भी है और 3 या 3 से कम में तो 1 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ठीक है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, यदि दोनों में रहेगा, इंटरसेक्शन आप जानते हैं जब तक दोनों में नहीं रहता है तब तक हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहां भी देखिए 3 है, 3 या 3 से कम, और 1 से ग्रेटर में 3 ऑलरेडी आता ही है, 3 पर भी क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या सॉल्व फॉर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज लेस देन 3। चलिए यही क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं और इक्वालिटी के साइन को हटा देते हैं, और यहां पर आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा एक्स क्या है, 1 से ग्रेटर, और एक्स क्या है, 3 से कम है। इसमें आपको चाहिए एक्स का वो तमाम वैल्यूज जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कहीं ना कहीं यहाँ 3 होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये जो इनइक्वेशन 1 है ना, इनइक्वेशन 2 है ना, ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है क्या, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर चाहिए मेरे को, x का मतलब वे तमाम वैल्यू चाहिए जो 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, तो 1 नहीं चाहिए इसको, ठीक ना। तो 1 पर क्या करेंगे, सर्कल यूज करेंगे, 1 से ग्रेटर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, एक्स का वैल्यू 3 नहीं चाहिए इसको, 3 से कम चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिए, अब आप जानते हैं जैसे मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है, इसमें दिया हुआ है क्या 2 3 5। अब ए इंटरसेक्शन आपको बी बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो जो दोनों में रहेगा वही आप लेंगे, जो इसमें है इसमें नहीं है उसको तो हम इंटरसेक्शन में नहीं लेते हैं ना। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो 1 नहीं लेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 आ जाएगा, और बाद बाकी कॉमन नहीं है। 4 इसमें, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब 3, 4 और 5 नहीं आएगा इसमें, समझ में आया क्या। अब जैसे यहां ध्यान दीजिए, अब मेरे को क्या करना है, ऐसे
इंटरसेक्शन ही निकालना है ना दोनों का, मतलब कॉमन वैल्यू चाहिए। कॉमन का मतलब ही इंटरसेक्शन भी होता है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए दोनों में कॉमन वैल्यू जो होगा वो। अब यहां देखिए, इस इंटरवल में थ्री से ग्रेटर मतलब वन से ग्रेटर लेना है, मतलब इसमें वन नहीं है, समझ में आया क्या? वन नहीं है इसका मतलब 1.1 हम ले सकते हैं, ठीक है, 1.1 ले सकते हैं, बट वन नहीं लेंगे। 1.1 आ जाएगा क्या? हाँ 1.1 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए थ्री नहीं लेंगे, थ्री से कम ले लेंगे, मतलब 2.9999 ले सकते हैं, बट टू नहीं ले सकते, नहीं थ्री नहीं ले सकते, ठीक ना। अब आप ही मेरे को बताइए एक्स का कॉमन वैल्यू क्या होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है चलो वन और थ्री के बीच में नंबर आएगा, ये बात आप जानते हैं। वन और थ्री के बीच में हम लेंगे सॉल्यूशन को, क्योंकि इसके बीच का ही सॉल्यूशन जब आप लेंगे तभी ये दोनों सेटिस्फाई होगा, अन्यथा सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसके बीच का मेरे को चाहिए, चलिए चलो वो हम ले लिए। अब एक चीज यहां देखना है कि यहां ओपन इंटरवल यूज करेंगे या क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, देखते हैं एक बार वन पर क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा, देख लेते हैं। यदि दोनों में वन होगा, ठीक है ना, तब तो हम क्लोज लगाएंगे। यदि दोनों में से किसी एक में यदि वन रहेगा और दूसरे में नहीं रहेगा तो ओपन लगा देंगे, ठीक ना। देखिए इसमें वन है, इसमें वन नहीं है, तो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो वन ऑटोमेटिक हट जाएगा, वन के अलावा हर चीज आ जाएगा, ठीक ना, इसीलिए वन पर ओपन लगा देंगे। यहां थ्री है, इसमें थ्री नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, थ्री खत्म हो जाएगा, थ्री नहीं मिलेगा, बट थ्री से कम मिल जाएगा, ठीक ना। 2.999 इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, वो तमाम आ जाएगा वन और थ्री को छोड़ करके। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं, ठीक ना। और आज जो हम आपको पढ़ाए हैं इसको आपको फोकस करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इनक्वालिटीज का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये एक हम आपको ट्रैक पर चढ़ा दिए इनक्वालिटीज के ट्रैक पर, कि आपको इनक्वालिटी समझ में कैसे आगे आएगा, ठीक है ना। जब तक इतना आप नहीं जानते तब तक आप इनक्वालिटी को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। हम आपको अच्छे से अच्छे लेवल का इनक्वालिटी पढ़ाएंगे इसमें, ताकि ये नहीं कि आपको मैक्सिमा मिनिमा में ही जो यूज होगा उतना ही पढ़ाएंगे, मतलब दो तीन लेक्चर हम लगा करके, ठीक है ना, आपका बेस हम इतना अच्छा कर देंगे कि इनक्वालिटी को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।